प्रदान करता है। हमें नाराज रखती है बुजुर्गों की यहाँ बनना सभी टुकड़ों के बनते हैं बगावत। आजमगढ़ के इस तारीख मैदान पर कटरा के मैदान पर आजमगढ़ कोने से आए हुए तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। ये लड़ाई जो सीए एनआरसी और एनपीआर की लड़ाई है, ये सिर्फ एक टीम की लड़ाई नहीं है। अपने जोश को बरकरार रखिए, अपनी हिम्मत को बरकरार रखिए। और एक चीज मैं अमित शाह नरेंद्र मोदी जी को ये बता देना चाहता हूँ, जो वो हिंदुस्तान के टुकड़े करना चाहते हैं, जो वो हिंदुस्तान के आईन के टुकड़े करना चाहते हैं, अगर उनको सच्चा हिंदुस्तान देखना है तो आजमगढ़ चले आए। साथियों से गुजारिश करूंगा कि आप लोग तहजीब के दायरे में थोड़ा सा आप लोग समझे इस बात को, ये आजमगढ़ है, ये वही आजमगढ़ है जो अपनी तहजीब के लिए जाना जाता है, ये वही आजमगढ़ है जो अपने बाकी सोए के लिए जाना जाता है, ये वही आजमगढ़ है वही के लिए जाना जाता है। आप लोग खामोशी के साथ बैठ जाए, पीछे आपके लोग समझ पा रहे, सुन नहीं पा रहे, देख नहीं पा रहे। मेरी आपसे गुजारिश है कि आप लोग बैठ जाए, बड़ा मेहरबानी। मैं एक नारा बोलूंगा आप लोग को जवाब में इतना बोला ना भाई ना, अरे ये सीए